हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RC अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर के यूज़ के लिए आपको बता दें कि किस लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ जो हम करते हैं, जब हमें जो है कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हमें जो है फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड रखने के लिए इस वाउचर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना है, पैसा जमा करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में, और या फिर आप कैश जमा कर रहे हैं बैंक में तो उसकी एंट्री भी आप कॉन्ट्रा वाउचर पर करेंगे, या फिर आप बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको यहाँ पर ऑल टैब प्रेस करेंगे तो ऐसा वाउचर यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर F4, जो शॉर्टकट की है वो आप F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे रिसीव दिखा रहे हैं तो मैं प्रेस कर लेते हैं। F4 प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट, जैसे कि आप अभी जो है किसी बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो उसकी एंट्री जो होगी बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक में आप जमा कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बैंक ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ले लेते हैं कैश। और कैश हमने जो जमा किया है वो किया है 5000 रुपीज़। देखिए कैश जो हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कैश जो हमारा अभी बैलेंस नहीं है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है डिटेल भी दे सकते हैं कि जो आपकी करेंसी है, जो नोट हैं आपके 2000 के या 1000 या 500 के, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है, कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी बैंक टू कैश, कैश आपने बैंक में जमा कराया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। इसी तरह अगर आपको जो है बैंक से कैश निकालना है तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा में करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ फिर से ऑल्ट प्रेस कीजिए और F4 प्रेस करिए कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे जो है आपको कैश निकालना है बैंक से, तो आप यहां पे कैश आपका डेबिट हो जाएगा, और कौन से बैंक से निकाला है वो यहां पे आप क्रेडिट कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने यहां पे निकाला है, इसको कर लेते हैं हम 10000 रुपये। यहां पे अगर आपने चेक से निकाला तो चेक की डिटेल भी दे सकते हैं। और इसमें आपको डेट का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी डेट पे आप जमा कर रहे हैं, कौन सी डेट पे निकाल रहे हैं। ये देखिए कॉन्ट्रा में दो एंट्री हो गई है, एक 5000 की जो हमने जमा किया था कैश SBI बैंक में, और एक जो एंट्री है ये है 10000 रुपये की जो हमने बैंक से कैश निकाला था। दोनों की एंट्री जो है कॉन्ट्रा में होगी। अब हम आपको बताते हैं अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी आपको जो है कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। ऑल्ट प्रेस कीजिए यहाँ पे, F4 कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे मैंने ले लिया जो मेरा स्टेट बैंक है उसमें जो है मुझे ट्रांसफ़र करना है पैसा, स्टेट बैंक में मुझे ट्रांसफ़र करना है, मेरा दूसरा जो बैंक है अल्मोड़ा इससे मुझे ट्रांसफ़र करना है 20000 रुपये। यहाँ पे आपको फिर से चेक के द्वारा, अगर आप ये पेमेंट कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो चेक के द्वारा कर सकते हैं,
यहाँ पे चेक नंबर आपको डालना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इस तरह से आपको चेक नंबर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये देखिए अब हमारी यहाँ पे तीन एंट्री हो चुकी है कॉन्ट्रा की। ये जो अभी ट्रांसफ़र वाली है ये देखिए SBI जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो अल्मोड़ा बैंक से हमने ट्रांसफ़र किया है स्टेट बैंक में, तो हमारा जो 20,000 के अमाउंट है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसी तरह अगर आप स्टेट बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको आपको एंट्री करनी पड़ेगी अल्मोड़ा अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।